नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ब्राह्मणवाद बनाम हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म और हिंदू मत में क्या अंतर है, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कौन है हिंदू? इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं है। संविधान में हिंदू धर्म की जो परिभाषा दी गई है वह विचारणीय है। भारतीय संविधान के अनुसार चार मत हिंदू धर्म है, हिंदू मत, जैन मत, बौद्ध मत। हमारे विचार में उपयुक्त परिभाषा में प्रथम स्थान पर जो हिंदू मत शब्द आया है उसकी जगह ब्राह्मण मत शब्द आना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार हिंदू में जैन, बौद्ध और सिख धर्म भी शामिल है। अतः जब कोई हिंदुओं की बात करे तो स्पष्ट रहना चाहिए कि कौन से हिंदू की बात हो रही है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने इस वीडियो में हिंदू मत के लिए ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि ब्राह्मण मत के सिवाय हिंदू की परिभाषा में आने वाले शेष तीनों धर्मों में ब्राह्मण के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल ब्राह्मणवाद में ही ब्राह्मण की पूछ है, उसकी सर्वोच्चता है। अतः जहाँ भी ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ उस सिस्टम से है जो ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानता है, वेदों में आस्था रखता है, जातिवाद को धर्म मानता है, राम तथा ऐसे ही किसी देव को भगवान मानता है इत्यादि। हिंदू बनाम हिंदू धर्म। बाबा साहब के अनुसार सब धर्मों में से यह बताना सबसे कठिन है कि हिंदू धर्म ही किसे कहा जा सकता है। दुनिया भर के धर्मों में हिंदू धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्मों की सीधी परिभाषा है। बौद्ध वह है जो भगवान बुद्ध को अपना आदर्श माने और धम्म पद के अनुसार अपना जीवन बिताए। जैन वह है जो महावीर स्वामी को अपना आदर्श माने और अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताए। सिख वह है जो 10 गुरुओं में आस्था रखे तथा गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार अपना जीवन बिताए। मुस्लिम वह है जो पैगंबर साहब पर विश्वास करे और कुरान में आस्था रखे। हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कोई सीधी परिभाषा नहीं है। यहाँ वेदों को पूजने वाला भी हिंदू धर्मी है तथा वेदों को दुत्कारने वाला भी हिंदू धर्मी है। राधा को वैश्या कहने वाला भी हिंदू धर्मी है तथा रोज सुबह शाम राधे राधे जपने वाला भी हिंदू धर्मी है। यहाँ ब्राह्मण को बेटी भोगी कहने वाला भी हिंदू धर्मी है तथा उसे सृष्टिकर्ता कहने वाला भी हिंदू धर्मी है। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्मी ऐसा क्यों है? इस सवाल का उत्तर है कि हिंदू होना और हिंदू धर्मी होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदू होना किसी धर्म की निशानी नहीं है। किसी का हिंदू होना या न होना धार्मिक होने के बजाय सामाजिक तथा भौगोलिक है। हिंदू सोमवार को व्रत कर लेता है, वीरवार को पीर के मजार पर माथा टेक लेता है और रविवार को चर्च में जाकर मोमबत्ती भी जला लेता है। गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी जाती हो तो वहाँ भी श्रद्धा से सिर नवा लेता है। विपत्ति आ जाए तो बिना कोई विचार किए किसी के लिए भी खून दान कर देगा, उसमें कट्टरता नहीं होती। अकट्टरता होना, दयावान होना उसका हिंदूपन है या उसका जिंदगी जीने का ढंग है। लेकिन वही आदमी भंगी के हाथ का छुआ खाना नहीं खाना चाहेगा, अपनी जाति से बाहर विवाह संबंध नहीं बनाना चाहेगा, ब्राह्मण को पूछे बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहेगा, दया भाव इतना कि पांव भी देख कर रखता है कि कहीं नीचे कोई चींटी दबकर न मर जाए। लेकिन वही आदमी ब्राह्मणों के कहने पर कामाख्या और काली के मंदिरों में बलि देने के लिए हर प्रकार के पशु कटवाने के लिए तैयार हो जाता है, या उसका हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद है। हमारा संघर्ष इसी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध है तथा इसी ब्राह्मणवाद के ध्वजवाहकों के विरुद्ध है। यह ध्वजवाहक उनके ग्रंथ हैं जो यह कहते हैं कि पूजनीय विप्रा गुणशील हीना, शूद्र न गुण ज्ञान परवीना। वे हत्यारे हैं जिन्होंने संत शंभुक और गुरु रैदास का कत्ल किया। वे ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के आड़ में वासना और विभक्षता का नंगा नाच किया, और वे लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों का खून बहाया और बहा रहे हैं, ऐसे लोग उनके धर्म गुरु कहलाने वाले हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं या आज के लीडर हो सकते हैं। हिंदू शब्द का इतिहास क्या है? हिंदू वास्तव में धार्मिक शब्द है ही नहीं। यह तो विदेशियों द्वारा
समस्त भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। वह भारतीय चाहे हिंदू धर्मी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य धर्मी हो, उन्होंने पूरे भारत को हिंदुस्तान कहा तथा भारतीयों को हिंदू कहा। यह तो ब्राह्मणों की जालसाजी और चालबाजी है कि उन्होंने अपने सनातन अथवा वैदिक धर्म का नाम हिंदू धर्म रख लिया, जबकि उनके किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है। इस तरह हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जिनके ग्रंथों में अपना धर्म का नाम ही नहीं है। ब्राह्मणिक धर्म के वेदों, पुराणों, गीता में हिंदू शब्द का न होना इस बात को साबित करता है कि हिंदू एक विदेशी नाम है। आज भी भारत से बाहर भारतीयों को हिंदू ही कहा जाता है, चाहे वह मुस्लिम हो या बौद्ध हो या हिंदू धर्मी हो। हिंदू शब्द का फारसी अर्थ में ठग या चोर डाकू है। प्राचीन कथा कहानियां तथा इतिहास इस बात का सबूत है कि भारत में जगह जगह लूट मार, राजनी एवं ठगी आम बात थी। ऋग्वेद में तो असंख्य श्लोक है जहां देवों से प्रार्थना की गई है वे दूसरों का धन लूट कर उन्हें दे दिया जाए। अतः लूट मार ब्राह्मण धर्म के जन्म से ही उसके साथ है। आज के दिन भी उनका हर तीर्थ स्थान लूट मार का केंद्र बना हुआ है। हर तीर्थ यात्री वहाँ से लूट पिटा परेशान वापस आते हैं। इस गाली में भी ब्राह्मणों को छुपा हुआ वरदान मिल गया। उनके धर्म के चार स्तंभ में से एक अर्थ यानी धन कमाना भी है। जब विदेशियों ने सारे भारतीयों को हिंदू कहकर गाली दी तो पूरे भारत के लोगों को अपने चंगुल में करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम ही हिंदू धर्म रख लिया। शिक्षा पर केवल उनका ही अधिकार था, अतः जैसा उन्होंने लोगों को पढ़ाया वैसे लोगों ने मान लिया। इस तरह से हिंदू नाम सारे भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाने लगा, चाहे वह भारतीय किसी भी जाति, नस्ल अथवा धर्म का हो। इससे यह हुआ कि वेद को पूजने वाला और वेद को दुत्कारने वाला दोनों धर्म के लोग हिंदू कहे जाने लगे। पिछले कुछ सदियों से हिंदू नाम केवल ब्राह्मण धर्म तक सीमित होकर रह गया है, अतः आज हिंदू और हिंदू धर्मी का अर्थ एक समान हो गया। लेकिन अब फिर से इनको अलग करने की जरूरत है, क्योंकि जब से बीजेपी यानी ब्राह्मण जाति पार्टी को सत्ता मिली है उन्होंने हिंदू धर्मी में बदलने का काम किया है। इसका सबूत गुजरात एवं अन्य जगहों पर हुए दंगे हैं। इन दंगों में नित दरगाह पर माथा रगड़ने वाले हिंदुओं ने भी हिंदू धर्मी बनकर आगजनी, लूट मार और हत्याएं की हैं। हमारे विचार में किसी भी धर्म को अपने लिए हिंदू शब्द प्रयोग करने की मनाही होनी चाहिए। कानून द्वारा यह पाबंदी लगनी चाहिए कि ब्राह्मण अपने धर्म को हिंदू न कहेंगे। वैसे भी किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, वहाँ धर्म के लिए सनातन एवं वैदिक धर्म का प्रयोग हुआ है। अतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपने धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म या सनातन धर्म रखें। उनका हिंदू धर्म या हिंदू नाम से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस, शिवसेना तथा विश्व हिंदू परिषद वाले लोग जो बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, वे वास्तव में हिंदू नहीं हैं, बल्कि वे वास्तव में ब्राह्मण धर्मी हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।